दोस्तों, यदि आप वाईफाई प्रिंटर लेना चाहते हैं या फिर ये चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, अगर कोई एक ऐसा प्रिंटर खरीदें एप्सन में, सारे कंप्यूटर से उस प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रिंटर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई एक प्रिंटर खरीदें जिससे कि सारे कंप्यूटर से उस पर प्रिंट दिया जा सके। तो दोस्तों, उस समय आपको या तो वाईफाई प्रिंटर लेना चाहिए या फिर जिसमें इथरनेट कनेक्शन हो या RJ45 कनेक्टर लगाने की सुविधा दी हो। तो दोस्तों, उन्हीं प्रिंटरों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ एप्सन प्रिंटर के बारे में बात करेंगे जिसमें वाईफाई या इथरनेट केबल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रिंटर है एप्सन में L3150। दोस्तों, इस प्रिंटर में वाईफाई दिया हुआ है। अगर कनेक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पे USB के थ्रू का भी कनेक्शन कर सकते हैं, या फिर वाईफाई के जरिए या फिर ऐप के जरिए इसे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब ज़्यादा आपके पास कंप्यूटर है तो वहाँ पे USB से न कनेक्ट करके वाईफाई से कनेक्ट करें, जिससे कि कंप्यूटर से इस प्रिंटर पे आप कमांड दे सकते हैं या ऑर्डर दे सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। चलिए इसके फंक्शनैलिटी की बात की जाए तो दोस्तों, यह प्रिंटर ऑल इन वन इंक टैंक प्रिंटर है विथ वाईफाई के साथ, और इस प्रिंटर में प्रिंट, स्कैन, कॉपी आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रिंटर से 1 मिनट में 33 पेज ब्लैक एंड व्हाइट पेपर प्रिंट कर सकते हैं और 15 पेज पर मिनट कलर पेज कर सकते हैं। इस प्रिंटर में ब्लैक एंड व्हाइट अगर पेपर प्रिंट करते हैं तो वहां पे 7 पैसा पर पेज पे इन्वेस्ट होगा, और कलर पेज प्रिंट करते हैं तो वहां पे 18 पैसा पर पेज पे इन्वेस्ट होगा। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पेपर की, तो यहाँ पर हर तरह का पेपर यह एक्सेप्ट करता है, A4, A5, A6, C6 या फिर लीगल पेपर आप यूज कर सकते हैं। इस प्रिंटर में 4 कलर पड़ते हैं, ब्लैक, येलो, मजेंटा, स्यान, और सभी इंक की जो कैपेसिटी होती है वो 65 ml मिलेगी। जब भी इस इंक को एक बार जब रिफिल करेंगे तो ब्लैक इंक से आप 4500 पेज प्रिंट कर सकते हैं और कलर इंक से 7500 पेज प्रिंट कर सकते हैं। अगर इसकी वारंटी देखी जाए तो कंपनी इसकी 1 साल की मैन्युफैक्चर वारंटी देती है, या फिर 30,000 पेज आप प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रिंटर है एप्सन का ही L3156 प्रिंटर। दोस्तों, यह प्रिंटर भी ऑल इन वन प्रिंटर है जिसमें वाईफाई लगा हुआ है, जिससे दोस्तों पिछला प्रिंटर के बारे में बात किया था ना 3150 का, सेम वही प्रिंटर है, बशर्ते इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि 3150 ब्लैक कलर में इसकी बॉडी थी और 3156 में वाइट कलर की बॉडी थी। इस प्रिंटर में जो कलर 3150 में लगता था सारा वही कलर इसमें भी लगेगा। कनेक्टिविटी में भी वाईफाई, USB ऐप के थ्रू आप इस प्रिंटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बस प्राइस का अंतर है, 3150 जो है वो करीबन 14,000 के रेंज में मिल जाएगा और 3156 15,000 के रेंज में मिलेगा। इन सभी जो भी हम प्रिंटर बता रहे हैं उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप खरीद सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंटर है एप्सन का L5190 प्रिंटर। दोस्तों, यह प्रिंटर वाईफाई ऑल इन वन टैंक प्रिंटर है, और अगर इस प्रिंटर की खासियत के बारे में बात करें या फिर इसके फंक्शनैलिटी के बारे में बात करें तो इस प्रिंटर में 4 कलर लगते हैं, और जैसे पिछले जो प्रिंटर में लगते थे ब्लैक, येलो, सियान और मेजेंटा, और इस प्रिंटर की जो कनेक्टिविटी है वो वाईफाई के जरिए भी कर सकते हैं, इथरनेट भी दिया हुआ है, इथरनेट से कर सकते हैं और इसमें USB से भी कर सकते हैं। इस प्रिंटर में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ADF का सिस्टम दिया हुआ है। ADF का मतलब यह होता है दोस्तों कि एक ही साथ अगर आप ज़्यादा फोटो कॉपी करनी है तो सारे पेपर को एक साथ समेट कर आप ADF वाले पैनल पर रख दीजिए, और उसके बाद जितना फोटो कॉपी करना है उतना वहाँ से आपके स्क्रीन से देखकर आप कमांड दे दीजिए। उसके बाद क्या करेगा कि ADF में ये होता है कि उस सारे पेपर को धीरे धीरे बारी बारी से लेगा, उसके बाद उसे स्कैन करेगा,
फिर प्रिंट करेगा। बार बार आपको ट्रे उठाकर उसमें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यह ADF जो सिस्टम होता है, यही ADF इसे ही बोलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा सिस्टम होता है। अगर इस प्रिंटर की प्राइस देखी जाए तो दोस्तों इस प्रिंटर की प्राइस है करीबन 22,000 के रेंज में आपको मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम करीबन या अबाउट की इसलिए बात कर रहे हैं कि हर समय प्रिंटर की जो प्राइस है वो चेंज होती रह रही है। आप जब वीडियो को देखेंगे उस समय क्या प्राइस होगी वो कुछ अलग होगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंटर के बारे में बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट प्रिंटर है एप्सन का इकोटैंक मोनोक्रोम M2170 ऑल इन वन वाईफाई डुप्लेक्स प्रिंटर। यहाँ पे समझते हैं कि डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है। डुप्लेक्स प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आधार कार्ड या फिर आप वोटर आईडी कार्ड को फोटोकॉपी करते हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि स्कैनर में एक बार रखिए, फिर उसको प्रिंट करिए, पेपर निकल गया फिर पेपर को निकाल के दोबारा ट्रे में डालिए, उसके बाद आधार कार्ड को फिर उल्टा करिए, चाहे वोटर आईडी को उल्टा करिए फिर दबाइए तब निकलता है। तो ये तो नॉर्मल प्रिंटर में होते हैं, लेकिन डुप्लेक्स प्रिंटर में यह होता है कि एक ही बार दोनों साइड को स्कैन करेगा और जब स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे तो दोनों साइड को एक ही बार प्रिंट करके निकाल देगा। यानी कि आप सीधा सा बात यह है कि दोनों साइड को एक बार स्कैन करेगा उसके बाद एक ही बार प्रिंट करेगा। ठीक है दोस्तों, ये डुप्लेक्स सिस्टम का काम होता है। तो इस प्रिंटर में डुप्लेक्स फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे जो पेपर साइज लेगा, यहाँ पे जो भी पेपर लेगा A4 लेटर लीगल साइज पेपर, B5 A5 B6 C6 ये सारे पेपर यह प्रिंटर एक्सेप्ट करेगा। दोस्तों इस प्रिंटर में दो पैनल होते हैं, दो स्लॉट होते हैं जहाँ पर पेपर को रखा जाता है। पहला स्लॉट है जो नीचे वाले जो स्लॉट होता है, नीचे वाले स्लॉट में आप 250 सीट A4 साइज रख सकते हैं और पीछे का जो स्लॉट है उसमें 10 सीट आप एक बार में रख सकते हैं। और उसके बाद जो प्रिंट करके जो बाहर निकलता है पेपर, वो जो स्लॉट जहाँ पे गिरता है वहाँ पे मैक्सिमम 100 पेज तक वहाँ पे रख सकता है, उसके बाद आप उन पेपर को हटाना पड़ेगा। अब बात आती है प्रिंटिंग कॉस्ट की, तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रिंटिंग कॉस्ट होगी वो 12 पैसा पर पेज पे कॉस्ट आएगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रिंटर है ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर होता है, ये कलर प्रिंटर नहीं होता है, ये सिर्फ जीरोक्स के लिए ही यह प्रिंटर आता है। उसके बाद अगर कनेक्टिविटी देखी जाए तो यहाँ पे कनेक्टिविटी वाईफाई के थ्रू कर सकते हैं या डायरेक्ट वाईफाई के थ्रू कर सकते हैं, USB केबल के थ्रू और ईथरनेट के थ्रू। यहाँ पे दोस्तों इस प्रिंटर में ईथरनेट की जो सुविधा दी है वो बहुत अच्छी सुविधा है, जिससे आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर हैं तो उन सभी कंप्यूटर को ईथरनेट केबल के थ्रू आप, यानी कि इंटरनेट वाली केबल के थ्रू आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं नेटवर्किंग के थ्रू। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रिंटर की जो कंपनी वारंटी देती है वो 3 ईयर की वारंटी देती है, होम सर्विस आप घर पर ही आप इसका सर्विस करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट प्रिंटर है दोस्तों, यह प्रिंटर एप्सन का ही M3140 प्रिंटर है, यह भी ऑल इन वन डुप्लेक्स वाईफाई प्रिंटर है। और दोस्तों इसकी फंक्शनैलिटी की बात करें तो यहाँ पे हमने अभी बता ही दिया कि वाईफाई डुप्लेक्स प्रिंटर है और इसमें पिछले प्रिंटर से दो फंक्शन अधिक दिया हुआ है। इस प्रिंटर में आप फैक्स भी कर सकते हैं और ADF भी इसमें दिया हुआ है। उसके बाद अगर दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें तो यहाँ पे इसकी प्राइस आपको मिलेगी 24,500 से 25,000 के बीच में यह मिल जाएगी। इस प्रिंटर में वह सारी खूबियाँ हैं जो पिछले प्रिंटर में थी। और इस प्रिंटर की जगह स्पीड देखी जाए तो प्रिंटर की जो स्पीड है 39 पेज पर मिनट में यह प्रिंट करके देगा। और इस प्रिंटर की जो वारंटी है वो 3 ईयर वारंटी है। और बाकी जो फंक्शन है वो बाकी पिछले जो हमने 2170 बताया था उसी प्रिंटर का सारी ये खूबियाँ इसमें पे है, बशर्ते इसमें दो चीज़ें अलग दी हुआ है, फैक्स कर सकते हैं और ADF का यूज कर सकते हैं। ADF का हमने पिछले प्रिंटर में बताया है कि ADF क्या होती है। तो दोस्तों इनमें से कोई भी प्रिंटर आपको पसंद आता है तो आप दिए हुए लिंक से जाकर खरीद सकते हैं। और दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद।